हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ अलग से ही बनाते हैं शलगम के साथ। तो शलगम की रेसिपी, शायद ही आपने इसको पहले ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले मैंने शलगम को वॉश कर लिया है, फिर उसको पील कर लिया। अभी मैं सारे शलगम को अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। देखिए, हमारे शलगम भी ग्रेट हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से स्क्वीज करके इसका सारा पानी अलग कर लेंगे। स्क्वीज हो गया और इसको मैं अलग रख लेती हूँ। और जो पानी निकला हुआ है शलगम से, उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। आगे देखते रहिए आप, हम उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी एक पैन गरम कर लिया, उसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाला है। ये 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें हैं, मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच चॉप्ड अदरक है, आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है गार्लिक ऐड करना। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इसमें जो मैंने ग्रेट करके शलगम रखा हुआ था, मैं उसको डाल दूंगी और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे और 2 मिनट तक के लिए पकने देंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें, प्लीज़ फुल वॉच किया करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर से करें। ये देखिए, हमारा शलगम का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी गैस बंद करके हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी मैंने एक थाली में 2 कटोरी आटा ले लिया है, उसमें मैंने ये शलगम का मिक्सचर मिक्स कर दिया और उस पर से ढेर सारी धनिया डाल दी है। अब जो पानी बचा के हमने रखा हुआ था, उसी के हेल्प से हम इसका आटा गूंद लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर नीड होती है तो हम थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, नहीं तो सिर्फ उसी पानी से ही आटा पूरा आपका गूंद जाएगा। अब इसका अच्छे से हम एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डो भी रेडी हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद चलिए हम इसके पराठा बना लेते हैं। तो आप पराठे का कोई भी शेप बना सकते हैं, आपको ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है या राउंड शेप में बनाना है, जैसे भी बनाना है आप उसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है। और ये पराठा खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। जो लोग शलगम नहीं खाना चाहते या घर में कोई शलगम खाने से चिढ़ता है, तो भी आप इसको बना के खिला सकते हैं और बड़े आसानी से ही खा लेगा वो, और टेस्ट लेके खाएगा, बल्कि और मांग मांग के खाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का पराठा बना हुआ है। पराठा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आप इसको लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। अभी तवा गर्म है, चलिए हम पराठे को सेक लेते हैं। आप इस पराठे को ऑयल या घी जैसे भी लगा के आप सेक सकते हैं, जैसे आपके नीड हो। आप पराठे का फ्रंट कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर सा लग रहा है ये। तो हमारा पराठा भी रेडी हो चुका है। मैंने इसको दही और चटनी के साथ सर्व किया है, क्योंकि हमें इसको नाश्ते में करना था। आप इसको लंच में भी ऐड कर सकते हैं, सब्जी के साथ बना के इंजॉय कर सकते हैं पराठा। तो आप फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस पराठे को ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस बनता है। और जो सब्जी से सब लोग चिढ़ते हैं, उस सब्जी का पराठा बन जाता है, तो फिर कितना अच्छा होता है कि सभी के सभी खा लेते हैं। तो प्लीज़ ट्राई वंस एंड हैप्पी कुकिंग।